हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बाय आरपी इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टॉप सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की न्यू रिक्वायरमेंट आ चुकी है, जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप कैसे एसएससी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, एसएससी जूनियर इंजीनियर की यहां पे न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 26 जुलाई 2023 से, और इसका लास्ट डेट होने वाला है 16 अगस्त 2023 तक। एप्लीकेशन फी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जनरल ओबीसी ईवीएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ की फ़ी लगने वाली है, वहीं एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए कोई फी नहीं लगने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट जो रखी है, मिनिमम एज यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है, और इसके मैक्सिमम एज जो रखी गई है 30 और 32 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो उससे यहाँ पे टोटल 1324 पोस्ट आई हुई है, जिसका वैकेंसी डिटेल्स चेकआउट कर पाएंगे सरकारी रिजल्ट .com की वेबसाइट पे। उसके बाद से यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे डाउनलोड सिलेबस का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने से पहले इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो इसे आप डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका एसएससी में पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को डाल के यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे न्यू यूज़र या फिर यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना बेसिक सा डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे अपना आईडी टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आईडी नंबर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे नेम इंटर करना है, वेरीफाई नेम। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड में नेम चेंज है तो यहाँ पे यस करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना चेंज नेम इंटर करना है, अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम, वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, वेरीफाई रोल नंबर, देन यहाँ पे पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पासिंग, जेंडर सेलेक्ट करना है, वेरीफाई जेंडर, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना परमानेंट स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को डाल के यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे जो न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा इसका लिंक। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अप्लाई बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप किया था उसे आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको एस या नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स को रीड आउट करना है, देन यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग एस या नो कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यहाँ पे आप एस या नो सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल सेलेक्ट कीजिए, इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कीजिए, सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिविल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पे अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे CGPA यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे DOPT & DS की यहाँ पे वेबसाइट पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको SNO सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप फोटो का साइज़ देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का भी साइज़ देख लीजिए, देन यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन को यहाँ पे रीड आउट करना है, देन यहाँ से आपको आई एग्री करना है, देन यहाँ पे आपको इस कैप्चा कोड को इंटर करके यहाँ से आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आपके फॉर्म का प्रीव्यू पेज ओपन होके आ चुका है। अब आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है उसे आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। सारा डिटेल चेक करने के बाद अगर आपका फॉर्म सही है तो यहाँ पे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म कहीं पे गलती है या फिर आप एडिट या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एडिट या मॉडिफाई बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप एडिट या मॉडिफाई कर लीजिए, देन यहाँ से आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। अब आपका यहाँ पे अगर पेमेंट लग रहा है तो यहाँ पे एस पे क्लिक करके यहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है। अगर आपका पेमेंट नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आप प्रिंट बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।